आज चुरू शहर ब्लॉक के कार्यकारिणी के लिए जो मीटिंग रखी गई है निर्वाचन के लिए, उनके लिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आज इन सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छा सहयोग और अच्छे सुझाव हमें दिए हैं और जो पार्टी के लिए अच्छे सुझाव जो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम है वो भी हम पहुंचाएंगे और आगे संगठन कैसे मजबूत हो, क्योंकि जो भी लोगों की भावना भी है, लोग मानते भी हैं लेकिन होता नहीं है, क्या संगठन है और कार्यकर्ता के कारण से सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद में जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तब ये स्थिति होती है कि वो सरकार वापस नहीं आती है, जबकि कायदा यही है कि सरकार आने के बाद में कार्यकर्ताओं का सुनवाई होनी चाहिए। ये इनकी पीड़ा है, ये आगे तक हम पहुंचाएंगे और आगे अब संगठन कैसे मजबूत हो, आने वाले 1.5 साल बाद में दोबारा सत्ता में सरकार कांग्रेस की बने और सरकार की जो योजनाएं हैं फ्लैगशिप योजनाएं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार गाँव में और में सब में हो इसी संदर्भ में, और आगे जो संगठन के जो चुनाव होंगे उसके संबंध में मीटिंग लेने के लिए हमें यह भेजा है पार्टी ने, उसी के संबंध में इनसे चर्चा करने के बाद आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू। नीतियों के बारे में, पार्टी की रीति नीतियों के बारे में और जो चुनावी कार्यक्रम चल रहा है उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालकर अपनी बात आप लोगों पर समझ कर रखे भाई मोहम्मद हुसैन जी निर्माण जिला स्तरीय संगठन में की नियुक्ति भी होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव होने उसके संबंध में हमें यहाँ ये मतदाता की भेजा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ तो आपके जो शहर वो पर 10 बूथ पे व्यक्ति की नियुक्ति करनी है अपन को, ताकि वो प्रत्येक बूथ के लिए एक अध्यक्ष और एक संरक्षक बूथ के लिए उसका चयन करने की जिम्मेदारी और उसको जो अध्यक्ष और जो संरक्षक का होगा वो पार्टी उसका मेंबर होगा। बीच पहुंच चुके हैं या उपस्थित मैं सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से और चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक गतिविधि क्या चल रही है और आने वाले समय में ब्लॉक अध्यक्षों की जिला अध्यक्षों की उसके बाद में जैसे बहुत बड़ी बात है आप राजस्थान में घूमे होंगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे विधानसभा क्षेत्र से आप आते हो तो वही कहते हो ना शायद वहां भी ऐसा कार्य नहीं होगा दक्षिण में भी ऐसा कार्य नहीं होगा। इस प्रकार का करोड़ों रुपए की संपत्ति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आज भी छोड़ रखी है, ये देख लीजिए सर कई देवता फोटो लगी है इसमें मंडेलिया परिवार के घर की फोटो नहीं लग रही है इसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी अशोक गहलोत कांग्रेस के नेता है कांग्रेस के देवता है इनकी फोटो लिए यहाँ पे कांग्रेस का NSY का सेवा दल का महिला का कोई भी आदमी आके मीटिंग कर सकता है सबको राहुल मंडेलिया परिवार आता है उसके साथ मीटिंग में आता है जिस प्रकार आप हमारे